जय शाह ने भैया टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के ऊपर पैसों की बारिश कर दी है। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चमचमाती हुई ट्रॉफी हम अपने घर लेकर आने वाले हैं। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 17 सालों का सूखा खत्म कर दिया है। कपिल देव, एमएस धोनी, उसके बाद अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया विश्व कप जीत गई है। इसके बाद जय शाह जो कि सचिव हैं, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बधाइयां दी हैं टीम इंडिया को। उन्होंने ही ट्रॉफी हैंडओवर भी करी थी टीम इंडिया को, लेकिन अब उन्होंने बधाई एक अलग वे में दिया। दरअसल अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने हाल ही में एक ट्वीट करा। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूँ टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को और स्टाफ मेंबर्स की सराहना करता हूँ, सपोर्टिंग स्टाफ की सराहना करता हूँ, क्योंकि सिर्फ ये 11 या 15 खिलाड़ियों का खेल नहीं है, इसके पीछे सपोर्ट स्टाफ है, इसके पीछे पूरा का पूरा जो आपका स्टाफ होता है, जो आप स्टाफ लेकर चलते हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा मेहनत है। तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूं। 125 करोड़ रुपए की रकम जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम होती है, तो इसीलिए जय शाह ने कहा है और अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया है, खुशी से उन्होंने दी है। साथ साथ आपको याद होगा जय शाह ऐसे कारनामे बहुत करते रहते हैं। एशिया कप में, जब एशिया कप 2023 हुआ था श्रीलंका में, तो श्रीलंका में बारिश का बहुत ज्यादा आलम था कि मतलब मैच रद्द तक हो गया था। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आपको याद होगा, बारिश की वजह से ऑलमोस्ट वो रद्द हो गया था। उस मैच में जो ग्राउंड स्टाफ था, जिन्होंने ग्राउंड की जो सफाई करी थी, पानी को सुखाने की कोशिश करी थी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम उतना बेहतरीन नहीं था, तो जिन्होंने पानी को सुखाने की कोशिश करी थी उनके लिए भी जय शाह ने एक एक्सक्लूसिव प्राइज मनी दी थी। तो जय शाह इस तरीके का बड़ा दिल है उनका कि ये कारनामे वो करते रहते हैं। फिलहाल टीम इंडिया की बात करें तो 7 रन से टीम इंडिया ने जीत लिया ये मुकाबला। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। पहले विराट ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उसके बाद सर रविंद्र जडेजा ने भी टी20 फॉर्मेट से, यानी क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। तो 3 दिग्गजों ने 24 घंटे के अंदर संन्यास का ऐलान कर दिया और आंखों में आंसू थे। आंखों में दो आंखें जैसे होती हैं, तो एक आंख में खुशी का आंसू था, एक आंख में गम के आंसू थे कि हम तीनों इन खिलाड़ियों को क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में देख नहीं पाएंगे। फिलहाल जय शाह ने प्राइस मनी का ऐलान कर दिया है, 125 करोड़ रुपए जय शाह देने वाले हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए आपका क्या, आप उस चीज़ का जो जुनून है, यानी जो अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, लग रहा है कि आपको जीत गए या नहीं जीते? क्योंकि हमको नहीं लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है अभी सपना है, जस्ट अभी आंख खुलेगी और पता चलेगा अरे ये तो बायलेटरल सीरीज थी। तो क्या आप इस हैंगओवर से उभर पा रहे हैं, इस वर्ल्ड कप जीतने के हैंगओवर से उभर पा रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।